Hey, are you a smartphone lover? Then you are up to the right video. In today's video, we'll discuss about the top 10 smartphones that are ready for your purchase. So, आज हम बात करेंगे top 10 smartphones जो आपके खरीदने के लिए उपलब्ध है और top 5 brands के बारे में हम बात करेंगे और हर brands के दो smartphone के बारे में हम बताएंगे आपको जो एक budget friendly smartphone है और एक जो flexible device उनका available है। तो इस video में अंत तक बने रहिए ताकि आपको मालूम चल सके कौन सा brand का कौन smartphone किस तरह perform कर रहा है और क्या features है उनका और इस वीडियो के मदद से आप भी स्मार्टफोन खरीदने का डिसीजन ले सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को फॉलो नहीं किया तो जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी हमारे इस जर्नी पे ज्वाइन करें। टॉप 5 ब्रांड्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें Xiaomi, Realme, Vivo, Oppo एंड Samsung रहने वाला है। हर ब्रांड्स के दो स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे। एक रहेगा बेसिक जो मिड रेंज स्मार्टफोन रहेगा और एक रहेगा प्रीमियम फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन। हम स्टार्ट करने वाले हैं Xiaomi यानी कि Redmi से। तो Redmi का सबसे प्रीमियम डिवाइस जो अभी अवेलेबल है जिसे कहा जा रहा है Xiaomi 14, उसमें आपको मिल जाएगा 6.73 इंच एमोलेड का डिस्प्ले और 8 Gen 3 का प्रोसेसर मिल जाएगा 12 GB एंड 16 GB रैम के साथ। ये 256 GB एंड 512 GB दोनों वेरिएंट पे आप इसमें जा सकते हैं और 50 MP का ट्रिपल रियर कैमरा और 32 MP का एक बहुत ही शानदार सेल्फी कैमरा आप इस डिवाइस में देखने को मिला विद 5000 लॉन्ग लास्टिंग बैटरी 90 वाट का चार्जर के साथ। ये एक बहुत ही प्रीमियम डिवाइस मिल जाएगा Xiaomi की तरफ से आपको जिसका प्राइस रेंज 70,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। हमारा बजट फ्रेंडली Xiaomi का स्मार्टफोन है जिसे हम जानते हैं Xiaomi 13C के नाम से और ये भी Xiaomi का बजट फ्रेंडली एक बहुत ही दमदार डिवाइस है जो 5G पे अवेलेबल है और इसमें आपको 6.5 इंच फुल HD डिस्प्ले, 50 MP का रियर कैमरा विद 5000 mAh का बैटरी जिसमें आपको 4GB 128GB, 6GB 128GB एंड 12GB विद 256GB वेरियंट मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन 10,000 से लेकर 14,000 के बीच में आपको सारे वेरिएंट्स मिल जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं Realme की ओर। तो Realme ने एक बहुत ही शानदार GT सीरीज लॉन्च कर दिया है, Realme GT 60। तो जी हाँ, Realme GT 60 लॉन्च हो चुका है। इसका प्राइस रेंज का बात करूं तो ये 30,000 के बिलो से स्टार्ट होने वाला है। 6.7 इंच एमोलेड डिस्प्ले के साथ इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का प्रोसेसर मिलने वाला है जिसमें आपको 12 GB एंड 16 GB रैम विथ 128 GB एंड 256 GB स्टोरेज पे अवेलेबल हो जाएगा। इसमें 50 MP ट्रिपल रियर कैमरा एंड 16 MP सेल्फी कैमरा, 5000 mAh बैटरी के साथ 150 वाट्स का सुपर फास्ट चार्जिंग आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस डिवाइस पे। तो ये एक प्रीमियम डिवाइस है फॉर गेमर्स, अगर आप गेमिंग के शौकीन है ऑफकोर्स ये डिवाइस आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बजट फ्रेंडली बात करें तो Realme का 12X एक डिवाइस है जो बजट फ्रेंडली डिवाइस के साथ साथ बहुत ही प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है। 6.72 इंच 120Hz डिस्प्ले के साथ Dimensity 6100 प्लस 6 नैनोमीटर 5G प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 50 MP AI कैमरा और अगर गेमिंग करते हैं तो फीसी कूलिंग टेक्नोलॉजी भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, 5000 mAh बैटरी एंड 45 वाट फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है ये डिवाइस। अगर प्राइस रेंज की बात करूं तो 15,000 के आसपास आपको इसका वेरियंट मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ओप्पो के बारे में। ओप्पो का जो फ्लेक्सिबल एक प्रीमियम डिवाइस है वो है ओप्पो रेनो 11 प्रो प्लस, एक बहुत ही शानदार प्रीमियम ओप्पो का डिवाइस है जिसमें आपको 6.7 इंच एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा जिसमें आपको 12 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज के साथ साथ 50 MP ट्रिपल AI कैमरा मिल जाएगा विद 32 MP फ्रंट कैमरा। ये डिवाइस 4500 mAh बैटरी के साथ आता है, 80 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है इस डिवाइस पे। ये एक बहुत ही प्रीमियम कर्व स्क्रीन डिस्प्ले फोन है। इसके अलावा हम बात करें ओप्पो का बजट फ्रेंडली फोन के बारे में, ओप्पो का A50 बहुत ही हाई फीचर्स एंड लो प्राइस में 5G डिवाइस है जो आपको 13 से 15,000 के बीच में मिल जाएगा। इसमें 6.56 इंच का फुल HD डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, MediaTek Dimensity 700 का प्रोसेसर मिलेगा, 50 MP का रियर डुअल कैमरा मिलेगा आपको और साथ ही साथ 8 MP का एक बहुत ही शानदार सेल्फी कैमरा। ये 4GB 128GB एंड 6GB 128GB दो वेरिएंट्स पे अवेलेबल है विद 5000 mAh बैटरी एंड ऑफ कोर्स 8 फास्ट चार्जर भी इसमें आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करें अगर Vivo के बारे में, Vivo X100 Pro एक बहुत ही प्रीमियम और लाजवाब डिवाइस है Vivo के ओर से, 6.7 इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले के साथ 120Hz में आपको ये देखने को मिलेगा, MediaTek Dimensity 9300 का बहुत ही लाजवाब प्रोसेसर है। ये डिवाइस 12GB 256GB 16GB एंड 512GB एंड 16GB 1TB, इसमें आपको ट्रिपल 50 MP रियर कैमरा देखने को मिलेगा, इसमें आपको 5400 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा विद 100W चार्जिंग स्पीड मिलेगा और अगर वायरलेस चार्जिंग करते हैं तो 50W का भी सपोर्ट ये डिवाइस आपको देगा। ओवरऑल ये एक बहुत ही प्रीमियम और लाजवाब डिवाइस है Vivo की ओर से जो आपको 90,000 के आसपास मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम Vivo का बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो Vivo Y28 को मिस आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक बजट फ्रेंडली डिवाइस है और ये एक बजट फ्रेंडली यानी कि लो प्राइस होते हुए भी अपना जो फीचर्स है उसे मेंटेन करके रखा है। 6.56 इंच LCD डिस्प्ले के साथ
इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, साथ ही साथ 50 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये डिवाइस 5000 एमएएच लॉन्ग लास्टिंग बैटरी के साथ 15 वाट का चार्जर के साथ आता है। डायमेंसिटी 60205G प्रोसेसर सपोर्टेड है विद 7 नैनोमीटर चिपसेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं अभी जायंट सैमसंग के बारे में, जिसका प्रीमियम डिवाइस आप सबको अब तक मालूम चल चुका होगा। तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, आप कमेंट करिए मेरे बोलने से पहले कि सैमसंग का प्रीमियम डिवाइस का नाम क्या है। तो सैमसंग का प्रीमियम जो डिवाइस है उसका नाम है S24 Ultra। जी हाँ, द AI फोन ऑफ द ईयर इट्स सैमसंग गैलेक्सी S24 Ultra। अगर मैं इस डिवाइस का फीचर्स का बात करूं तो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो इसीलिए मैं सिर्फ हाईलाइटेड फीचर्स बताऊंगा, क्योंकि ये जो डिवाइस है AI सैमसंग गैलेक्सी S24 Ultra ये फुल्ली लोडेड फीचर्स के साथ है। इसके ऊपर अलग से 2 घंटे का वीडियो आराम से बन सकता है। सिर्फ हाईलाइटेड फीचर्स बता देता हूँ, अगर आपको डेडिकेटेड एक सैमसंग गैलेक्सी S24 Ultra के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा। तो इस डिवाइस में आपको सैमसंग का 6.8 इंच का डायनेमिक एमोलेड 2X का डिस्प्ले मिलने वाला है, साथ ही साथ स्नैपड्रैगन जेन 3 का प्रोसेसर मिलेगा। ये 12GB रैम एंड 16GB रैम में 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल, विद 256GB, 512GB एंड 1TB वेरिएंट्स में आप इसे चूज कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 मेगापिक्सल कैमरा जो इसे क्राउड से अलग रखता है, वो इसका जो 200 मेगापिक्सल कैमरा है ये इसका विथ ऑफकोर्स 5000 mAh बैटरी एंड 45W फास्ट चार्जिंग के साथ ये डिवाइस आपको 1,20,000 से लेकर 1,30,000 के बीच में ये डिवाइस आपको मिल जाएगा। और इस डिवाइस का सबसे मेन खासियत जो है AI फीचर्स, इसमें आपको बहुत कुछ AI मिलने वाला है। तो अगर वक्त मिले तो आज ये मोमेंट एंटरप्राइज में लाइव डेमो है हमारे पास, अब चला के इसका फीचर्स भी आप देख सकते हैं क्या एक्स्ट्रा दिया है सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी S24 Ultra में। इसके अलावा अगर हम बजट फ्रेंडली फोन के बारे में बात करें सैमसंग का, तो सैमसंग A15 जो अभी एक हॉट सेलिंग फोन है बिलो 20,000 में, ये डिवाइस आपको 6.5 इंच PLS LCD डिस्प्ले में मिल जाएगा विद एक्सिनस 1330 प्रोसेसर के साथ आता है, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा विद 13 मेगापिक्सल फ्रंट सेल्फी कैमरा, 4GB 64GB 6GB 128GB एंड ऑफ कोर्स 8GB 256GB ये वेरिएंट्स में आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा। 6000 mAh का लॉन्ग लास्टिंग बैटरी के साथ 25W का फास्ट चार्जर इसमें आपको सपोर्टेड मिलेगा। ये था हमारा टॉप 10 स्मार्टफोन, टॉप 5 बजट फ्रेंडली, टॉप 5 फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन। अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई भी स्मार्टफोन लेने का तो विजिट कर सकते हैं मोमेंट एंटरप्राइज, शिव मंदिर में है एंड सिलीगुड़ी चंपाचरी में है। आप चाहे तो इजी EMI पे भी ये प्रोडक्ट्स फाइनेंस करके ले सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7719363500 पर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी डिसाइड करना इजी हो अगर वो प्लान कर रहे हैं कोई नया स्मार्टफोन लेने का। और साथ ही साथ आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह का हमारा लेटेस्ट टेक न्यूज आप तक पहुंचते रहे। खुशी मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।